फार्मा वारियर चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एम्स पर, दिल्ली का एम्स पर जो फार्मा एंड फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकला है, जहां पर टोटल पोस्ट है 18 और सैलरी भी है अप टू 50,000। उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। उसके लिए आ चुके हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के लिए हम लोग सर्च कर लिया है www.aims.edu। उसके बाद आपके सामने इस तरह के सर्विस ओपन होगा, जहां पर आपको नोटिस बटन दिखाई देगा। वहां पर जाने के बाद, रिक्वायरमेंट के आने के बाद, आपका सामने जो पेज ओपन होगा उसमें 18 नंबर जो पॉइंट है उसमें हमारा जो पोस्ट है, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में आपको शो करेगा। जहां पर लिखा होगा, एप्लीकेशन आते इन्वाइटेड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट ऑफ द एम्स इन न्यू दिल्ली। चलिए, उसमें क्लिक करने के बाद हम अपने सामने इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, जिसके बारे में आज डिटेल्स में बात करेंगे। जहां पर सिर्फ फार्मासिस्ट ही नहीं, वहां पर साइंटिस्ट का भी वैकेंसी है, स्टोर कीपर की भी वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी है, और भी बहुत सारा वैकेंसी है। टोटल 33 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। आप डिटेल्स चाहिए तो देख सकते हैं पूरा वीडियो, और नोटिफिकेशन डिटेल्स टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो हम लोग का जो वैकेंसी है वो 24 में दिखाई देगा, तो उसमें हम डायरेक्ट आ जाते हैं एवं उसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं जो फार्मासिस्ट का पोस्ट है उसके ऊपर, जहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी ऑफ द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और बोर्ड। आपको कोई भी स्टेट और रजिस्टर्ड फार्मेसी हो जो फार्मेसी एक्ट है उसके अंदर, तो आपको जरूर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नोट डाउन करके वो भी बोला गया, जो हायर डिग्री है मतलब एम फार्म हो, बी फार्म है, कोई भी है, तो यहाँ पर अप्लाई जरूर कर सकते हैं। और जो डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो है, आपको डिप्लोमा फार्मेसी पास होना पड़ेगा कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में, और आपको जो एक्सपीरियंस है वो कोई भी रेपुटेटेड हॉस्पिटल हो और कोई भी इंस्टीट्यूशन हो उसमें से आपको पास होना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो एज लिमिट है वो है 30 एंड जो टोटल जो पोस्ट है वो है 18, जहाँ पर अनरिजर्व का जो पोस्ट है वो है 7 है अनरिजर्व पर, EWS 2 एवं SC है 2 एंड ST है 3 एंड OBC है 4। टोटल जो एग्ज़ाम होगा वो होगा CBT एग्ज़ाम, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपको जो मेरिट लिस्ट होगा वो तैयार होकर आपको ले लिया जाएगा। टोटल 18 पोस्ट का यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। जो पे मैट्रिक्स है वो है लेवल 5, मतलब 50,000 तक आपको पे यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर जो जनरल कंडीशन है उसके बारे में अब डिटेल्स में बात कर लेते हैं। जहाँ पर बोला गया है यहाँ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट का जितना भी फैसिलिटी मिलता है, जैसे कि PF हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, सारा फैसिलिटी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सर्वेंट को मिलेगा। और बोला गया यहाँ पर अप्लाई करने का जो डेट है वो है 19 नवंबर से स्टार्ट होगा, 19 दिसंबर तक चलेगा शाम को 5 बजे तक। तो इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप करना है। और भी बोला गया है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, सारा डिटेल्स आपको जो लास्ट डेट है मतलब 19 दिसंबर के पहले कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी पार्सिंग नहीं चलेगा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो है डेट ऑफ बर्थ, वैलिड कास्ट प्रूफ चाहिए होता है, EWS सर्टिफिकेट चाहिए, एज रिलैक्सेशन का कोई इशू है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री एंड मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और PhD डिग्री है तो PhD का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो चलिए, आप बात कर लेते हैं यहाँ पर जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, जो होगा 5 PM 19 दिसंबर को, जो उसके पहले आपको अप्लाई करना है। और भी बोला गया है जो यहाँ पर जो आप फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, वो क्लियरली होना चाहिए, जो यहाँ का गाइडलाइन है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन जो फीस है उसके बारे में। यहाँ पर बोला गया है जनरल OBC कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन फीस है वो है 3,000 एंड जो ST ST का जो एप्लीकेशन फीस है वो है 2,400, मतलब 2,400। जो जिसका एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। जहाँ पर बोला गया है ST ST का एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स तक, OBC का 3 ईयर्स तक, और भी यहाँ पर बहुत सारा एज रिलैक्सेशन है वो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से देख के अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ का जो मेन बात है और जो नोट डाउन है उसके बारे में। जहाँ पर बोला गया है यहाँ पर कोई भी एम्स का परमानेंट वर्कर होगा तो आप यहाँ पर उसका भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पर और भी बोला गया है, आप जब जो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर शो करेंगे उसमें जो OBC कैंडिडेट रहेगा उसको OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट देना जरूरी है, जो कि 1/4/2022 से 31/3/2023 तक होना चाहिए। उसके पहले का रहेगा तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अनरिजर्व कैंडिडेट के थ्रू माना जाएगा। क्या होता है NCL सर्टिफिकेट वो जानने के लिए आई बटन पर लिंक रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड के बारे में, जो कि आपको
यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपको घर पे नहीं भेजा जाएगा तो आपको ऑनलाइन के थ्रू ही आपको डाउनलोड करना है। जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको www.aims.exam.ac.in पर जाके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। कोई भी एडमिट कार्ड आपको बाई पोस्ट नहीं दिया जाएगा। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अपलोड करेंगे उसका ओरिजिनल होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको गलत प्रूव होगा तो आप वहाँ पर फिर आपको एड्रेस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो और भी डिटेल्स जानने के लिए आप यहाँ जो गाइडलाइंस जो वेबसाइट है उसमें जाके आप सारा डिटेल्स देख सकते हैं। www.aims.edu.public www.aims.exam.ac.in यहाँ पर जाके आप सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। आपका जो लोकेशन रहेगा, यहाँ पर जो पोस्टिंग होगा आपका पहले होगा एम्स न्यू दिल्ली पर, और बाद में आपको लोकेटेड कर दिया जाएगा बल्लभगढ़ हरियाणा और गाजियाबाद, जो कि नेशनल ड्रग डिस्पेंसरी है, ट्रीटमेंट सेंटर वहाँ पर। आशा करते हैं नोटिफिकेशन का डिटेल सही तरीके से देने में और वीडियो को अच्छी तरीके से समझाने में सफल हुआ हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और फार्मा जॉब रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको इस वीडियो कैसे लगा, क्योंकि आपके कमेंट से हम लोग को पता चलता है वीडियो के और कितना मॉडिफिकेशन की जरूरत है और कितना अच्छे तरीके से आपके पास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मा यूर्स। फार्मा यूर के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद। इस तरीके का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अदर्स वीडियो को भी चेकआउट कीजिए। और नोटिफिकेशन के डिटेल्स डायरेक्टली पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका पास टेलीग्राम ग्रुप नहीं है आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टाटा।